अरे वो देख फटीचर कर रहा है। ये तो कहता रहा मैं पढ़ा अभी करूंगा। ये साला फटीचर का फटीचर ही रहेगा। चला आ जरा इससे बात करते हैं। वो फटीचर इंसान दो लड्डू लगा। तू तो कहता था मैंने बड़ा आदमी बनना है। बड़ा आदमी हमारी तरह किस्मत वाले बनते हैं। तू गरीब का औलाद है, गरीब की औलाद ही रहेगा। तू जितना मर्जी पढ़ ले, तू इसी रेड़ी पे काम करेगा। चल लड्डू लगा। मज़र भाई। एक ऐसी स्कीम आई है जिससे हम पैसा इन्वेस्ट करके और भी ज्यादा अमीर हो सकते हैं। वो क्या स्कीम है भाई? अब करना कुछ भी नहीं है, बस आपको थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट का अरेंज करना। जितनी आपके पास इन्वेस्टमेंट है, मैं भी अपनी इन्वेस्टमेंट का अरेंज करूंगा। तो वो हम स्टॉक मार्केट में लगा देंगे, पर फिर बस वेट करना है हमें। हफ्ते भर में हमारे पैसे डबल हो जाएंगे और हम अमीर हो जाएंगे। चल ठीक है यार, स्कीम तो अच्छी है। हाँ पैसे अरेंज करके मिलते हैं। हाँ चलो मिलते हैं पैसे अरेंज करके। यार मज़र भाई हम डूब गए। जिस स्टॉक मार्केट पे सारा पैसा लगाया था, वो कंपनी का दिवालिया हो गया। यार मैंने तो सारे पैसे जो मेरे पास थे मैंने सारे कंपनी में लगा दिए। अब क्या होगा भाई? यार मेरे पास तो खाने को पैसे भी नहीं बचे। मैंने सारे जितनी भी मेरी सेविंग थी सारी मैंने इस कंपनी को लगा दी थी। कंपनी डूब गई यार, हम तो तबाह बर्बाद हो गए यार। क्या करें यार? क्या मसला है भाई? बड़ी देर से देख रहा हूँ, मुंह बने हुए हैं। क्या हुआ है? हमारे पास जितने पैसे थे ना, हमने सारी इन्वेस्टमेंट एक स्टॉक मार्केट पे लगा दी थी। वो जिस कंपनी पे लगाए थे वो कंपनी डूब गई यार। हम बहुत परेशान हैं। खाने के पैसे नहीं है, अब खाने पीने से लाचार हो गए यार। चलो यार परेशानी की कोई बात नहीं, परेशान नहीं होते हैं। मेरा एक बॉस है यार, बड़ा दयालु है। अगर कहते हो तो मैं उनके पास ले जाता हूँ तुम्हें नौकरी के लिए। मे भी उनके पास कोई जॉब हो तुम्हारे लिए। हम नौकरी करें अब यही है, करना पड़ेगी। ठीक है यार, अगर हम खाने के लिए कुछ तो काम करना पड़ेगा। सर्वाइव करने के लिए थोड़ी बहुत नौकरी तो हमें करनी पड़ेगी ना। चलो ठीक है, मैं ना पता करके आपको कॉल कर दूंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। परेशानी हो बहुत शुक्रिया। ओके अल्लाह। सर आपसे दो लड़कों के बारे में बात की थी, वो आए हैं तो ले आऊं जी? प्लीज। सर वो सर सर ने भेजा किस लिए? सर ड्यूटी के लिए। तलीम क्या आपने? सर पढ़ाई तो मैंने की नहीं है। कोई काम सीखा आपने? नहीं सर, कोई काम नहीं सीखा। तो फिर काम कैसे करेंगे? अबे तू सोच सर, आप यहाँ कैसे? मैं तो यहाँ जैसे भी पहुँचा हूँ, लेकिन ये सिर्फ उस तलीम की वजह से है जिस वजह से तुम मुझे उस वक्त कहते थे कि टीचर तुम ड्यूटी लगाओगे, ये करोगे, वो करोगे। आज देखो मैं किस मुकाम पर हूँ कि तुम मुझसे ड्यूटी मांगने के लिए आए हो।